हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईस्ट। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करवाया था, जिसमें कि हमने गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक दैट इज एलिमेंट्री कैनाल की इन्फॉर्मेशन पढ़ी। मुझे उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। आई नो थोड़ा रैंडम इन्फॉर्मेशन हो जा रही है कि मैं रैंडमली कोई भी पॉइंट पुट करके आप लोगों को बता दे रही हूँ, सीक्वेंस में नहीं चल रही हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं रिविजन नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैं इन डेप्थ स्टडी नहीं करवा रही हूँ इन वीडियोस में। मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं वो ऐसे हैं कि आप एग्जाम से 10 दिन पहले भी अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, इन नोट्स को पढ़ेंगे तो आई गारंटी यू कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैंने कोशिश करी है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस कॉन्टेंट में डाल सकती हूँ, अपने वीडियो में आपको बता सकती हूँ, तो मैं बताऊंगी। आई होप जो मैं वीडियोज बना रही हूँ, जो कॉन्टेंट आप लोगों को बता रही हूँ, वो आपके नीट एग्जाम से कुछ दिन पहले बहुत हेल्पफुल रहे। आप जब भी रिविजन करें तो प्लीज इन नोट्स को एक बार जरूर पढ़िएगा। तो पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टंग के बारे में और टीथ के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टंग से। द पोस्टीरियर एंड इज कनेक्टेड टू हायर बोन इन द नेक। क्वेश्चन आ सकता है, नेम द बोन विच इज कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टंग। कौन सी बोन है जो टंग के पोस्टीरियर एंड से कनेक्टेड होती है? हायर्ड बोन, HYOID, हायर्ड बोन इन द नेक रीजन इज कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टंग। अब क्या होता है, सपोज ये टंग है, टंग को एक लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है विच डिवाइड्स द टंग इनटू एंटीरियर 2/3 रीजन एंड पोस्टीरियर 1/3 रीजन। अगर हम इस रीजन को कंसिडर कर रहे हैं कि ये टंग का रीजन है, तो दिस टंग इज कनेक्टेड विद अ इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन टंग को डिवाइड करती है एंटीरियर फ्रंट के 2/3 रीजन से और पोस्टीरियर 1/3 रीजन से। दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज सल्कस टर्मिनालिस। Sulcus terminalis is an imaginary line which divides the tongue into anterior 2/3 part and posterior 1/3 part. अब जो ये anterior 2/3 part है, जो tongue का front part है, 2/3 part है, वो taste sensitive होता है। मतलब हमारी tongue जो भी taste को sense करती है वो anterior 2/3 part में करती है। The 2/3 part which is present anteriorly in our tongue is taste sensitive, whereas the rest of the 1/3 part is taste insensitive. तो हमारी टंग का जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है, जो पीछे का 1/3 पार्ट होता है, उसमें कोई भी टेस्ट फील नहीं होता, एंटीरियर 2/3 पार्ट में टेस्ट फील होता है। और टेस्ट का ऑर्डर क्या होता है, टेस्ट का ऑर्डर होता है स्वीट, सॉल्ट, सार, बिटर। मतलब कि हम जब कोई मीठा खाते हैं, सपोज ये टंग है, ठीक है, ये टंग का फ्रंट पार्ट है, ये टंग का बैक पार्ट है, तो ऑर्डर क्या होता है, स्वीट, सॉल्ट, सार एंड बिटर। कोई भी मीठी चीज, उसका टेस्ट टंग के फ्रंट में पता चलता है, नमकीन चीज का उसके बाद, सार खट्टे चीज का तीसरे नंबर पे, और कोई भी कड़वी चीज का टेस्ट टंग के एकदम एंड वाले रीजन में पता चलता है, एंटीरियर पार्ट के एंड वाले रीजन में पता चलता है। टेस्ट के लिए एंटीरियर रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑर्डर क्या होता है टेस्ट का, स्वीट, सॉल्ट, सार, बिटर। जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है वो टेस्ट इनसेंसिटिव होता है, और उसमें लिम्फैटिक नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर 1/3 पार्ट में, उसका टेस्ट में कोई रोल नहीं होता है। टंग का एंटीरियर पार्ट टेस्ट में हेल्पफुल होता है। फोलिएट पैपिला आर एब्सेंट इन ह्यूमंस। पैपिला क्या होते हैं, पैपिला क्या होते हैं, अगर आप अपनी टंग को मिरर में जाकर देखें तो आपकी टंग में छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे पोर्स बने हुए दिखेंगे। दी स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पैपिला। साइंटिफिकली इन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को जो कि आपकी टंग में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज पैपिला। और ये पैपिला आपके टेस्ट में हेल्प करते हैं, आप कोई भी टेस्ट सेंस करते हैं, ये किस वजह से करते हैं, पैपिला की वजह से करते हैं। सो फोलिएट पैपिला एक पैपिला का टाइप होता है विच इज नोन एज फोलिएट पैपिला, ये ह्यूमंस में एबसेंट होता है। क्वेश्चन आ सकता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग पैपिला इज एबसेंट इन ह्यूमंस। कौन सा पैपिला ह्यूमंस में एबसेंट होता है, फोलिएट पैपिला आर द पैपिला विच आर एबसेंट इन ह्यूमंस। फिलिफॉर्म पैपिला आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस पैपिला।
पेपिला का फंक्शन सिर्फ टेस्ट बताना ही नहीं होता है, वो टच को भी फील करते हैं. तो पेपिला का फंक्शन क्या हो गया, दे कैन सेंस टेस्ट एज वेल एज टच. अगर आप किसी गर्म चीज़ को खा ले तो आपको गर्म कैसे लगता है टंग में, पेपिला की वजह से लगता है. अगर आप कोई कड़वी चीज़ खा ले तो आपको वो कड़वी कैसे लगती है, पेपिला की वजह से लगती है. कुछ पेपिला टेस्ट में हेल्प करते हैं, कुछ पेपिला आपको टच में हेल्प करते हैं, आपको टेम्परेचर बताते हैं. तो फिलीफॉर्म पेपिला ऐसे पेपिला होते हैं हमारी बॉडी में जो कि स्मॉलेस्ट है. सबसे छोटे पेपिला प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग आर फिलीफॉर्म पेपिला. दीज आर द स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट अबंडेंट पेपिला. सबसे छोटे होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. इन पेपिला का फंक्शन टेस्ट में नहीं होता है, ये टेस्ट में हेल्प नहीं करते हैं. इंस्टेड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टच. दे कंटेन टच रिसेप्टर्स. ये आपको बताते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है. आपने टंग को टच किया तो कैसे फील हो गया आपकी टंग को कि कुछ टच हुआ है, फिलीफॉर्म पेपिला की वजह से. कौन से पेपिला ह्यूमन टंग में एबसेंट होते हैं, फोलिएट पेपिला. कौन से पेपिला अबंडेंट होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिला. कौन से पेपिला स्मॉलेस्ट होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिला. फिलीफॉर्म पेपिला का फंक्शन क्या होता है, इनमें टच रिसेप्टर्स होते हैं, दे डू नॉट हेल्प इन टेस्ट. ये थी टंग की बात. अब बात करते हैं टूथ की. बल्क ऑफ द टूथ इज मेड अप ऑफ डेंटीन. डेंटीन और एनामिल ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो मैं बता देती हूँ, जो ह्यूमन टीथ होता है, जो हमारे टीथ होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, वो डेंटीन के बने हुए होते हैं. ठीक है, तो सब्सटेंस विच मेक्स द टीथ इज डेंटीन. दांत किसके बने होते हैं, डेंटीन के बने होते हैं. अब जो ये डेंटीन सब्सटेंस है, ये हमारे गम्स के अंदर जो रीजन है, दांत ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आउटर मोस्ट सरफेस से अटैच्ड है, गम्स के अंदर भी दांत का कुछ पार्ट होता है. सो द पार्ट ऑफ द डेंटीन विच मेक्स द टीथ विच इज प्रेजेंट इन द रूट रीजन ऑफ आर माउथ. जो रूट रीजन में प्रेजेंट होता है टीथ, उसमें जो डेंटीन पार्ट होता है, इट इज कवर्ड विथ सीमेंट. तो क्या हुआ, डेंटीन का हमारा ये टीथ बना हुआ है, ये हमारा टीथ है, ये हमारे सपोज गम्स हैं. अब गम्स में भी थोड़े बहुत टीथ होंगे. अब जो रूट रीजन है जहाँ से हमारे टीथ गम्स से अटैच्ड हैं, उस रूट रीजन में जो हमारे टीथ कवर्ड होते हैं, वो कवर्ड होते हैं सीमेंट से. टीथ किससे बना हुआ है, डेंटीन से. डेंटीन इज कवर्ड विथ सीमेंट इन द रूट रीजन एंड इनैमल इन द क्राउन रीजन. जो दांत आपको दिख रहे हैं, इट इज नोन एज क्राउन पार्ट ऑफ द टीथ. टीथ के दो पार्ट होते हैं, क्राउन एंड रूट. जो पार्ट आपको विजिबल होता है, इट इज नोन एज क्राउन. और जो पार्ट आपके गम्स के अंदर होता है, इट इज नोन एज रूट. टीथ किसके बने होते हैं, डेंटीन के. क्राउन रीजन में डेंटीन किस चीज से कवर्ड होता है, इनामल से. और जो रूट रीजन होता है, उसमें डेंटीन किससे कवर्ड होता है, सीमेंट से. तो बल्क ऑफ द टूथ इज मेड अप ऑफ डेंटीन. इट इज कवर्ड विद इनामल इन द क्राउन रीजन एंड सीमेंट इन द रूट रीजन. इनामिल को हार्डेस्ट सब्सटेंस या फिर हार्डेस्ट टिश्यू कहा जाता है. तो हार्डेस्ट टिश्यू में डेंटीन और इनामिल में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं. याद रखिए, हार्डेस्ट सब्सटेंस डेंटीन नहीं है. डेंटीन सिर्फ वो मटेरियल है जो आपका टीथ बना रहा है, लेकिन डेंटीन को क्राउन रीजन में जो सब्सटेंस कवर करता है, इट इज़ नोन एज इनामिल. और इनामिल हार्डेस्ट टिश्यू होता है. सो इनामिल इज द हार्डेस्ट टिश्यू विच कवर्स द टीथ इन द क्राउन रीजन. अब डेंटीन और इनामल के बीच में कुछ और डिफरेंस भी है, उनको पढ़ लेते हैं. डेंटीन इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. डेंटीन हमारी बॉडी की मीजोडर्म लेयर से डिराइव किया गया है, वेयर एज इनामल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. आप एक टेबल बना सकते हैं, एक कॉलम में लिख दीजिए डेंटीन, दूसरे में लिख दीजिए इनामल. डेंटीन मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इनामल एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेंटीन इज सेक्रेटेड बाय एम्ब्रियोनिक ओडोंटोब्लास्ट सेल्स. एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अमीलोब्लास्ट एंड ओडोंटोब्लास्ट. तो जो डेंटीन सब्सटेंस होता है, इट इज सेक्रेटेड बाय एम्ब्रियोनिक ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, वेयर एज इनामिल इज सेक्रेटेड बाय एम्ब्रियोनिक अमीलोब्लास्ट सेल्स. डेंटीन और इनामिल दोनों एवैस्कुलर होते हैं, हमारे दांत एवैस्कुलर होते हैं. डेंटीन और इनामिल रीजन दांत के दोनों एवैस्कुलर होते हैं, लेकिन डेंटीन जो रीजन होता है वो सेंसिटिव होता है. अगर आप कुछ गर्म खा ले, कुछ ठंडा खा ले, तो सेंसिटिविटी दांतों में जो होती है, वो कौन फील करता है, डेंटीन फील करता है. वेयर एज इनामिल इज इनसेंसिटिव इन नेचर.
Dentine and enamel both are avascular, but the difference is that dentine has sensitivity whereas enamel is insensitive in nature. ये थे dentine और enamel के बीच में difference. Hardest कौन होता है? Enamel होता है. दांत किससे बने होते हैं? Dentine से बने होते हैं और enamel covering होती है जो कि dentine को crown region में cover करती है. Whale जो होती है, aquatic mammal whale, उनके दांत homodont और monophyodont होते हैं. मोनोफियोडोंट ऐसे टीथ को बोलते हैं जो कि लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार उगते हैं. द टीथ विच अपीयर्स ओनली वंस ड्यूरिंग द कंप्लीट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज मोनोफियोडोंट टीथ. हमारे दांत क्या होते हैं? दो बार आते हैं. जैसे बच्चों को कहते हैं कि ये क्या है? बचपन के दांत हैं, मिल्क टीथ हैं, दूध के दांत हैं. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट फेज में पहुंच जाते हैं, तो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं. तो हम लोगों के टीथ कैसे होते हैं? डिफियोडोंट, दो बार आ रहे हैं. डिफियोडोंट डी फॉर दो बार आ रहे हैं. लेकिन वेस के केस में जो दांतों का सेट होता है, जो दांत होते हैं, वो सिर्फ एक ही बार अपीयर होते हैं लाइफ साइकिल में और इसे कहते हैं मोनोफियोडोंट टीथ. होमोडोंट टीथ मतलब सारे दांत सेम शेप के होते हैं. हमारे सारे दांत सेम शेप के होते हैं? नहीं. कुछ दांत क्या होते हैं? कुछ दांत ब्रॉड बेस के होते हैं, कुछ होते हैं जिनका थोड़ा पॉइंटेड बेस होता है. तो वी हैव हेट्रोडोंट डेंटिशन, डिफरेंट शेप के टीथ होते हैं. लेकिन वेल के सारे दांत सेम शेप के होते हैं और वेल के दांत सिर्फ एक ही बार उगते हैं. सो वेल्स हैव मोनोफियोडोंट एंड होमोडोंट डेंटिशन. लेकिन हमारे दांत कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं और दो बार उगते हैं, सो डिफियोडोंट. अब बात करते हैं कि दांत जॉ बोन से कैसे अटैच्ड हैं, उस बेसिस पे दांतों की क्लासिफिकेशन क्या होती है. हमारे ये दांत सिर्फ सुपरफिशियली तो अटैच नहीं है ह्यूमंस के जॉ से अटैच्ड हैं, है ना. हमारे दांत जॉ से अटैच्ड है तभी कहते हैं कि जब दांत टूट जाता है तो आपके जॉस में भी पेन होता है. क्यों पेन होता है? क्योंकि वो दांत जॉ से अटैच्ड होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट टू जॉ बोन, टीथ आर ऑफ थ्री टाइप्स: एक्रोडोंट डेंटिशन, प्लूरोडोंट डेंटिशन एंड थीकोडोंट डेंटिशन. एक्रोडोंट डेंटिशन में जो दांत होते हैं, दे आर सुपरफिशियली अटैच्ड टू जॉ बोन, मतलब कि जो जॉस की बोन होती है उनसे बहुत लाइटली अटैच्ड होते हैं दांत इन केस ऑफ एक्रोडोंट डेंटिशन. एक्रोडोंट डेंटिशन किन में प्रेजेंट होता है? Fishes and frogs have acrodont dentition. Please, जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट डाउन करते रहिए. मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक पॉइंट को जो मैं आपको बोल रही हूँ अच्छे से समझाऊँ आपको, ताकि जब आप नोट करें उसी दौरान आपको वो चीज़ें लर्न हो जाए और आप जब रिवाइज करें तो आपको फटाफट याद आ जाए कि हाँ मैंने इस वीडियो में आज ये पढ़ा था. तो एक्रोडोंट डेंटिशन में दांत सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं जॉ बोन से. एक्रोडोंट डेंटिशन किस में प्रेजेंट होता है? इन फिशेज एंड फ्रॉग्स. प्लूरोडोंट डेंटिशन एक्रोडोंट डेंटिशन से थोड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि इस केस में टीथ आर अटैच्ड टू इनर सरफेस ऑफ द जॉ बोन. एक्रोडोंट में क्या हो रहा था? सुपरफिशियली अटैच्ड थे, सिर्फ आउटर लेयर से अटैच्ड थे जॉ बोन की. लेकिन प्लूरोडोंट डेंटिशन में टीथ आर अटैच्ड टू इनर सरफेस ऑफ द जॉ बोन. अब प्लूरोडोंट डेंटिशन किस में प्रेजेंट होता है? स्नेक्स एंड लिजर्ड्स हैव प्लूरोडोंट डेंटिशन. स्नेक्स और लिजर्ड में प्लूरोडोंट डेंटिशन प्रेजेंट होता है. लास्ट आता है थीकोडोंट डेंटिशन, जो कि हम लोगों में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है. इसमें क्या होता है? जो दांत होते हैं वो जॉ बोन से इंटरनली बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं. सो टीथ आर इन केस ऑफ थीकोडोंट डेंटिशन, टीथ आर प्रेजेंट विद इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन. जॉ बोन के सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं जॉ बोन से. इसलिए ही परमानेंट टीथ को तोड़ना या फिर टेम्पररी टीथ को तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है. बचपन में आप सभी को दांत तोड़ते हुए बहुत दर्द हुआ होगा, मुझे भी हुआ था. क्यों? क्योंकि हमारे दांत जॉ बोन से अटैच्ड होते हैं. अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे अपने दांतों को हिलाने की तो उसका असर हमारे जॉस पे भी जाएगा, इसलिए हमें बहुत दर्द होता है. सो इन केस ऑफ थीकोडोंट डेंटिशन विच इज प्रेजेंट इन मैमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, द टीथ आर अटैच्ड स्ट्रांगली इनसाइड द सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन. तो ये थे तीन टाइप के डेंटिशन ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ जॉ बोन: एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थीकोडोंट डेंटिशन. फिशेस और फ्रॉग्स में होमोडोंट एंड एक्रोडोंट डेंटिशन होता है. फिशेस और फ्रॉग्स में जो दांत होते हैं वो सेम शेप के होते हैं, दैट इज वाई होमोडोंट डेंटिशन. और एक्रोडोंट क्यों? क्योंकि वो सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं. वेल्स में कैसा होता है डेंटिशन? वेल्स में होमोडोंट मोनोफियोडोंट, फ्रॉग्स एंड फिशेस में होमोडोंट एक्रोडोंट,
ह्यूमंस की बात कर लेते हैं. ह्यूमंस के दांतों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए. तो ह्यूमंस हैव डिफियोडोनडेंटेशन, दो बार दांत आते हैं, एक बार मिल्क टीथ आते हैं, एक बार परमानेंट आते हैं. थीकोडोनडेंटेशन, थीकोडोन क्यों? क्योंकि जॉ बोन के सॉकेट से अटैच्ड होते हैं. हेट्रोडोनडेंटेशन, हेट्रोडोन क्यों? क्योंकि हमारे दांत डिफरेंट शेप्स के होते हैं, इसलिए हेट्रोडोनडेंटेशन. एंड ब्यूनोडोनडेंटेशन, ब्यूनोडोन क्यों? क्योंकि ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं. हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्राइंड हो जाता है इजली हमारे दांतों से. दैट इज वाई वी से दैट ह्यूमंस हैव ब्यूनोडोनडेंटेशन. तो ह्यूमंस की ओवरऑल डेंटेशन क्या हो गई? हेट्रोडोंट, डिफ्यूडोंट, थीकोडोंट एंड ब्यूनोडोनडेंटेशन. ये था ह्यूमंस का डेंटेशन. ह्यूमन अडल्ट्स में दांतों का पैटर्न क्या होता है? द पैटर्न ऑफ टीथ इन ह्यूमन अडल्ट्स इज, द पैटर्न ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमंस इज 2-1-2-3/2-1-2-3. ये जो पैटर्न है ये हाफ जॉ का है. अगर हम मैं सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर कर रही हूँ अपने फेस का, तो मेरे इस पार्ट में ऊपर के रीजन में दो इंसीजर्स होंगे, एक कैनाइन होगा, दो प्रीमोलर होंगे, तीन मोलर्स होंगे. वैसे ही नीचे 2-1-2-3, 2-1-2-3, दो इंसीजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर्स. लेकिन ये सिर्फ हाफ जॉ की बात है. अब आएगा रेस्ट हाफ जॉ, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? सारे टर्म्स को, सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाफ जॉ का, सिर्फ इतने पार्ट का ह्यूमन अडल्ट का डेंटिशन फॉर्मूला क्या होता है? 2-1-2-3/2-1-2-3. कंप्लीट डेंटिशन पैटर्न हो जाएगा इनटू 2. तो टोटल हमारे बॉडी में कितने दांत होते हैं, हमारे माउथ में कितने दांत होते हैं? 32 टीथ. ह्यूमन अडल्ट्स हैव 32 टीथ. लेकिन ह्यूमन चाइल्ड के केस में, किसी ह्यूमन बच्चे के केस में डेंटिशन क्या होता है? 2-1-0-2/2-1-0-2. मैं अगर अपने माउथ का सिर्फ एक रीजन कंसिडर करूं, सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट कंसिडर करूं, तो छोटी एज में मेरे पास कितने दांत होंगे? 2 इंसीजर्स, 1 canine, 0 premolars and 2 molars. 2-1-0-2/2-1-0-2 into 2 कर दूंगी, क्योंकि इस साइड के दांत भी कंसिडर करेंगे. तो ह्यूमन चाइल्ड हैव 20 टीथ. ह्यूमन अडल्ट के 32 दांत होते हैं, इसलिए मूवीज में बोला जाता है तेरी 32 ही तोड़ दूंगा. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास 32 दांत होते हैं. ह्यूमन चाइल्ड में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं. थर्ड मोलर, जो थर्ड मोलर टीथ होता है, हमने क्या कहा? ह्यूमन डेंटिशन क्या होता है चाइल्ड का? 2-1-0-2/2-1-0-2. तो ये लास्ट वाला 2 क्या है? मोलर है. एक मोलर और चाहिए ताकि फॉर्मूला अडल्ट वाला बन जाए, 2-1-2-3/2-1-2-3. ह्यूमन चाइल्ड के केस में जो लास्ट वाला दांत होता है, थर्ड मोलर होता है, इट इज वेस्टिजियल. इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं होता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेस्टिजियल टीथ एंड इट इज मोर ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शन. सबसे ज्यादा इन्फेक्शन इसी वाले दांत में होता है और सबसे लेट यही वाला दांत आता है. थर्ड मोलर इज विस्डम टीथ. इसे अकल दांत भी कहा जाता है. आपने सुना होगा लेमन लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि इसकी अकल दाढ़ आ रही है. अकल दाढ़ क्या होता है? थर्ड मोलर टीथ आ रहा है. थर्ड मोलर टीथ इन केस ऑफ ह्यूमंस इज नोन एज विस्डम टीथ. इट इज वेस्टिजियल एंड मोस्ट ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. ह्यूमन अडल्ट का डेंटिशन पैटर्न 2-1-2-3/2-1-2-3, टोटल दांत 32. ह्यूमन चाइल्ड का 2-1-0-2/2-1-0-2, टोटल दांत 20. रैबिट के केस में क्या होता है? रैबिट के केस में डेंटिशन फॉर्मूला होता है 2-0-3-3/1-0-2-3, 20-33/10-23, टोटल दांत होते हैं 28. ह्यूमन अडल्ट में टोटल दांत 32, ह्यूमन चाइल्ड में 20, रैबिट में 28. रैबिट में टोटल 28 टीथ प्रेजेंट होते हैं. जीरो कहां पर आ रहा है? सेकंड नंबर पे आ रहा है, 2-0-3-3/1-0-2-3. सेकंड नंबर पे कौन सा दांत होता है? कैनाइन होता है. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये चार सेट होते हैं दांतों के. सेकंड नंबर पे कौन आता है? कैनाइन. यानी कि रैबिट के केस में कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए रैबिट के सिर्फ फ्रंट के दांत होते हैं, इंसीजर्स बड़े दांत होते हैं, और बाद में कैनाइन्स का गैप होता है. दिस गैप इन केस ऑफ रैबिट इज नोन एज डायस्टीमा. रैबिट्स में कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं एंड द गैप इज नोन एज डायस्टीमा. रैबिट में 28 टीथ होते हैं इन टोटल. ह्यूमंस में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ रैबिट 4 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. ह्यूमन के 3 पेयर कौन से होते हैं सलाइवरी ग्लैंड का? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड.
ये थे ह्यूमंस के ग्लैंड, लेकिन रैबिट के केस में चौथा ग्लैंड आ जाता है विच इज नोन एज जाइगोमैटिक ग्लैंड या फिर इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड. तो इन केस ऑफ ह्यूमंस थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, वेयर एज इन केस ऑफ रैबिट फोर्थ पेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट विच इज नोन एज इंफ्रा ऑर्बिटल और जाइगोमैटिक ग्लैंड. ठीक है, तो ये बात हो गई रैबिट के सलाइवरी ग्लैंड की और रैबिट के टीथ की. एपिडर्मल टीथ, एपिडर्मल टीथ किन टीथ के लिए यूज किया जाता है? एपिडर्मल टीथ वो टीथ होते हैं जो कि बने होते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम से. ये किन में प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द बीक ऑफ टर्टल्स एंड बर्ड्स. बर्ड के केस में कोई दांत नहीं होता है, वो बीक से बाइट करती हैं. तो बीक्स इन केस ऑफ टर्टल्स एंड बर्ड्स आर नोन एज एपिडर्मल टीथ एंड दे आर एक्चुअली हॉर्नी प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम. स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर की हॉर्नी प्रोजेक्शन को एपिडर्मल टीथ कहते हैं और ये टर्टल्स और बर्ड्स की बीक में प्रेजेंट होता है. ये टीथ की तरह ही होते हैं, ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, कटिंग में हेल्प करते हैं. अब बात करते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स की. तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमने क्या कहा, ह्यूमंस में तीन पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड. सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहा जाता है. एंड थर्ड आता है सब लिंगुअल ग्लैंड. आप क्या कीजिए, छह कॉलम बना दीजिए. पहले कॉलम में तीनों ग्लैंड के नाम लिखिए. ये आपका पहला कॉलम है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड. लिख दिया. अब पहली बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड की. पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड. लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा होता है? पैरोटिड ग्लैंड. अब सेकेंड कॉलम पे लिखिए डक्ट. पहला आया ग्लैंड, ग्लैंड में तीनों ग्लैंड के नाम. सेकेंड कॉलम पे लिखिए डक्ट. कौन से डक्ट से इन ग्लैंड्स के सेक्रीशन माउथ में जाते हैं? तो पहले का होगा स्टेंसन्स डक्ट, वॉटसन्स डक्ट, रिवेनस डक्ट. कैसे लर्न करेंगे? SWR. ग्लैंड्स कैसे थे? पैरोटिड, सब मैंडिबुल, सब मैक्सिलरी. अब मैं नाम नहीं लूंगी, मैं ऐसे करके आपको बताऊंगी. ठीक है, पैरोटिड, सब मैंडिबुल, सब मैक्सिलरी. पहला ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड डक्ट, स्टेंसेस डक्ट, SWR. स्टेंसेस डक्ट, वॉटसन्स डक्ट, रेवेनस डक्ट. नेचर की बात करते हैं, कैसा नेचर होता है? थर्ड कॉलम में लिखिए नेचर. तो नेचर कैसा होगा? सेरेस मिक्स्ड मिक्स्ड. सेरेस सेक्रीशन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैरोटिड ग्लैंड और बाकी के जो दो ग्लैंड्स होते हैं उनका सेक्रीशन मिक्स्ड होता है. सेरेस प्लस म्यूकस लाइक सब्सटेंस पे वो सेक्रीट करते हैं. तीन कॉलम बन गए, ग्लैंड पैरोटिड, सब मैंडिबल या सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल ग्लैंड, डक्ट. डक्ट कौन सी आए? SWR, स्टेंसन वॉटसन रेविनस. नेचर सेरेस मिक्स्ड मिक्स्ड. अब बात करते हैं मोड की, कैसा सेक्रीशन होता है. द टाइप ऑफ सेक्रीशन इन ग्लैंड्स इज नोन एज मेरोक्राइन सेक्रीशन. तीनों ग्लैंड्स में मेरोक्राइन सेक्रीशन प्रेजेंट होता है. नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई कौन सी नर्व्स इन ग्लैंड को सप्लाई करती है? 977 क्रेनियल नर्व. कौन सी क्रेनियल नर्व इन ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है? 9th क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व, 977. परसेंटेज ऑफ सलाइवा, कितना सलाइवा ये प्रोड्यूस करते हैं? 20%, 70%, 5%. पैरोटिड ग्लैंड 20% करेगा, सब मैंडिबल 70% एंड सब लिंगुअल ग्लैंड 5%. तो ये थे छह कॉलम्स और हर कॉलम में तीनों ग्लैंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स. आई होप आपको ये समझ आ गई होगी. अगर थोड़ा फास्ट हो गया तो प्लीज वापस इसको सुनिए और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से नोट कीजिए. सलाइवा का पीएच क्या होता है? सलाइवा हैज अ पीएच ऑफ 6.8. सलाइवा में 99.5% वाटर प्रेजेंट होता है, 0.5% सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं. द आयंस प्रेजेंट इन सलाइवा आर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस एंड फॉस्फेट आयंस. अब सलाइवा में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है? सलाइवा कंटेन्स IgA एंटीबॉडी. टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सलाइवा? IgA एंटीबॉडी. पीएच ऑफ सलाइवा 6.8. परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सलाइवा 99.5. परसेंटेज ऑफ वाटर इन सलाइवा 0.5. टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सलाइवा? सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस एंड फॉस्फेट आयंस. सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है विच इज सेक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड. क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज? पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ एंजाइम कॉल सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज का क्या फंक्शन होता है? सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करती है. इट हेल्प्स इन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज इनसाइड आवर माउथ. तो सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करते हैं क्लोराइड आयंस. सलाइवरी अमाइलेज इज एन एंजाइम विच इज सेक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड और इन सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट कौन करता है? क्लोराइड आयंस. क्लोराइड आयंस कौन सेक्रेट करता है? सलाइवा. सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स. एक बार फिर से,
सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस कहाँ से होता है? पैरोटिड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। सलाइवा पर डे कितना प्रोड्यूस होता है? 1 to 1.5 liters ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय आर माउथ पर डे। 1 to 1.5 liters सलाइवा हम लोग पर डे प्रोड्यूस करते हैं। टीथ के लिए एक और इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारे टीथ होते हैं, जो हमारे मोलर टीथ होते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर। एक बार डेंटिशन पे वापस जाते हैं, डेंटिशन पैटर्न क्या होता है? 2 1 2 3 upon 2 1 2 3, लास्ट में क्या आया? 3। मतलब मोलर्स कितने होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। फर्स्ट मोलर कब आते हैं? फर्स्ट मोलर आते हैं 6 years ऑफ एज में, सेकेंड मोलर्स आते हैं 12 years ऑफ एज में, और थर्ड मोलर आते हैं आफ्टर 17 years। तो जो दाढ़ के दांत होते हैं, जो विजडम टीथ होते हैं, वो 17 साल के बाद अपियर होते हैं बॉडी में, माउथ में। पायरोसिस, पायरोसिस एक टर्म है जिसे हम हार्ट बर्न भी कहते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को पेट में जलन होती है या फिर गले में जलन होती है, तो पायरोसिस इज नोन एज हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होती है? ईसोफेगस के लोअर रीजन में जब जलन फील होती है आपको, तो इट इज नोन एज पायरोसिस। अब जो जलन फील होती है वो कहाँ होती है? आपके कंप्लीट नेक रीजन में होती है और आपके पेट में होती है, तो इसलिए कहते हैं गला जल रहा है। पायरोसिस साइंटिफिक टर्म है। कॉमन नेट इज नोन एज हार्ट बर्न। ये क्या होता है? एसिडिटी इन द लोअर सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस नियर द हार्ट इज नोन एज हार्ट बर्न। हार्ट के पास होता है, इसलिए से हार्ट बर्न कहा जाता है। तो ये थी माउथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, माउथ के अंदर टीथ और सलाइवरी ग्लैंड, उससे रिलेटेड कॉन्टेंट मैंने आप सबको इस वीडियो में दिया। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज मैंशन कीजिए कॉमेंट में, ताकि मैं इस सीरीज के साथ रेगुलर वीडियोज अपलोड करती रहूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी एट ईस फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो much for watching the video.